हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर सेकेंडरी। मैं आपका ही राजधानी में आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर का इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो जिसमें हम पहले देखेंगे एग्रो मेट्रियोलॉजी। तो इसमें देखिए आप, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है हमारा दो शब्दों से। पहला तो है एग्रो का मतलब साधारण सी बात है, एग्रीकल्चर होगा यहां पर, एग्रीकल्चर, एंड ये मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, ओके ये हो गया। अब ये जो एग्री मेट्रियोलॉजी है, इसमें मेट्रियोलॉजी है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेट्रियोस, एंड लॉजी मींस लॉगस। देखिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिनके पीछे लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा के होते हैं, और जिनके पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा के होते हैं। ये सब चीजें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। आप अगर ये चीज अभी आपको नहीं पता तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर देखने की जरूरत है। अब जहां पर मेट्योर का मतलब होता है एवर द अर्थ, एवर द अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर, ऑन एवब द अर्थ लिखना ज्यादा होगा, अच्छा होगा, ऑन एवब द अर्थ। और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। ये देखिए समझ में आया। अगर अब ये तो सिर्फ किसकी बात की हमने, यहां पर सिर्फ बात हमने की, इधर देख लीजिए, इसकी एक डिफिनेशन लिख के दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए मेट्रोलॉजी का अगर हमें लिखना हो, इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी? पृथ्वी के ऊपर क्या होती है? वातावरण, यानी क्लाइमेट, यानी टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर एंड वेदर। इसका कार्य क्या है? वातावरण में जलवायु और मौसम के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? मेट्रियोलॉजी कहलाएगा, इज नोन एज, इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं, इज नोन एज मेट्रियोलॉजी। ये तो बात होगी मेट्रियोलॉजी, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? एग्रो मेट्रियोलॉजी, यानी कि कृषि के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में हम किसका अध्ययन करेंगे? मेट्रियोलॉजी का। तो देखते हैं हम इसका, पहले इसे रफ कर देते हैं। ये आप लोग ऐसे नोट्स बनाते चलिए, थोड़ा आपको सही रहेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी, यानी एग्रो मेट्रियोलॉजी की अगर डिफिनेशन लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे? इट इज स्टडी अबाउट, इट इज स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट क्लाइमेट इन रिलेशन
क्रॉप, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो क्रॉप का ही तो बात करेंगे, क्रॉप्स नहीं क्रॉप करेंगे, इन रिलेशन टू क्रॉप। फॉर मैक्सिमम इकोनॉमिक, फॉर मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न्स एंड प्रोडक्शन, पहले फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन और इकोनॉमिक नॉमिक रिटर्न्स। ओके, तो ये हमारी हो गई एग्रोमेट्रियोलॉजी की डिफिनेशन। इट इज द स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट इन रिलेशन टू क्रॉप फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी अधिक उत्पादन के लिए, और इकोनॉमिक रिटर्न्स यानी और अधिक आर्थिक लाभ के लिए। तो इसे कह सकते हैं हम, इसे हिंदी में लिखेंगे अधिक फसल उत्पादन के लिए फसल के संबंध में वातावरण का अध्ययन अध्ययन कृषि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान कहलाता है। हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अधिक उत्पादन चाहिए फसलों का, और इसलिए किसी कोई फसल है उसके लिए सबसे जरूरत क्या होती है कि आप सबसे पहले सॉइल की और उचित वातावरण की। अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि कब वर्षा होने वाली है, कैसी कैसा वातावरण रहेगा, कैसी जलवायु है, तो हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं सरलता से। अगर हमें पता चल जाए हमें इरिगेशन करना है किसी फसल में, अगर हमें इरिगेशन करना है किसी फसल में, तो अगर हमें पता चल जाए कि कल बारिश होने वाली है तो हम इरिगेशन क्यों करेंगे, हमारा पैसा बच जाएगा। और इसी जगह हम इरिगेशन कर दें और उसके बाद फिर वर्षा हो जाए, उससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी और क्या होगा, हमारी क्रॉप पे डैमेज होगा। इसी तरह अगर हमने मान लीजिए कोई कीटों को मारने के लिए कीटनाशक अप्लाई कर दिए, उसके बाद क्या हो, वर्षा हो जाए, अब कीटनाशक अप्लाई करिए, वर्षा हुई, जल भराव के कारण वो उनका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो जाएंगे, वो व्यर्थ हो गया, हमारा पैसा क्या हुआ, खराब हो गया। यही होता है न्यूट्रिएंट्स के साथ, यानी फर्टिलाइजर्स के साथ। आपने अगर मान लीजिए यूरिया दे दिया, उसके बाद वर्षा हो गई, तो क्या होगी, यूरिया बह जाएगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि अगर आपको पता चल गया कल वर्षा होने वाली है तो हम क्या करेंगे, कीटनाशक का अप्लाई उसके बाद करेंगे, जिससे हमारे एक तो इरिगेशन का पैसा बच गया, ऊपर से हमने कीटनाशकों का बाद में प्रयोग किया जिससे कीटनाशकों का भी उचित प्रभाव हुआ फसल पर। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा, एग्रो मिट्रियोलॉजी में, रोलॉजी में। अब इसे रफ करते हैं हम, जब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, समय निकालकर आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, और रिसर्च करनी पड़ती है कॉम्पिटेटिव टच लाने के लिए लेक्चर्स में, उसमें घंटों लगते हैं, पहले लिखना फिर। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना है,
जो हमारे बीएससी में एग्जाम हो रहा है उनमें तो हमें मार्क्स लाने ही हैं, सीजीपी तो हमें अच्छी करनी है, लेकिन उससे ज्यादा हमें क्या कॉम्पिटेटिव टच लाना है, ताकि हम क्या कर सके, एक जो क्वेश्चन बहुविकल्पी बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव वो तो हम कर सके, और साथ में उन ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ते चले, उन क्वेश्चन को एमसीक्यूज को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए कॉम्पिटेटिव टच लाना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं इनके फादर की, एग्रोमेट्रियोलॉजी के फादर जो हैं, इंडियन फादर, फादर ऑफ एग्रोमेट्रियोलॉजी, फादर इन इंडिया, ये हैं हमारे एल ए रामदास, रामदास। ये एक नंबर में कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आपके परीक्षाओं में तो पूछा ही जा सकता है। वैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन ढूंढ रखे हैं आपके लिए अच्छे अच्छे, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए एक होता है IMD, ये होता है इंडियन, इसका फुल फॉर्म कॉम्पिटेटिव में पूछा जा चुका है और परीक्षाओं में तो पूछा ही जाएगा और आगे भी पूछा ही जाता है, जहां पर एग्रोमेट्रियोलॉजी की बात होगी, क्लाइमेट चेंज की बात होगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये होता है इंडियन मेट्रियोलॉजी, लॉजी डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना हुई थी पहले, तो देखिए इसे सबसे पहले 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था, कहां पर, कोलकाता, कलकत्ता उसमें इसे कहते थे, उसके बाद इसे फिर से इस्टेब्लिश किया गया 1905 में, फिर इसे दोबारा जब 1905 में इस्टेब्लिश किया गया तो इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया शिमला में, ओके, उसके बाद फिर इसे इस्टेब्लिश किया गया, ये किया गया था 1928 में इस्टेब्लिश कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर, 1928 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया आपका पुणे में, ये हेडक्वार्टर चेंज हो रहे थे, पहले कलकत्ता से शिमला में 1905 में, फिर पुणे में चेंज किया गया हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया, वो किसमें किया गया था 1928 में, और फिर 1944 में इसे बदलकर न्यू दिल्ली कर दिया गया। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने एक ही इसके कई बता दिया आपको, अब इसे सारे याद कर लीजिए, प्रेजेंट टाइम पर ये कहां पर स्थित है, न्यू दिल्ली में, लेकिन अभी भी कुछ बुक्स में क्या देखने को मिलता है कि वो पुणे में दिखाता है आपको, लेकिन अगर आपको परीक्षा में कोई ऑप्शन मिलता है उसमें न्यू दिल्ली नहीं है, पुणे है, तो आप पुणे को टिक करेंगे, क्योंकि कुछ जगह पर पुणे जहां पर देख रहे, लेकिन जो नया डाटा है ये 1944 यानी में इस्टेब्लिश किया गया था, वो कहां पर, न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था हेडक्वार्टर इसका, तो इसे आप नोट्स बनाते चलिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसकी, इसे रफ कर देता हूं ऊपर ताकि जगह बन जाए, और इसी तरह एक आगे है WMO, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसका हेडक्वार्टर जहां पर है,
हेडक्वार्टर को एक्सक्यूज लिख देते हैं, ये हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में जी, नेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? ये बहुत ही सुंदर देश है जिसे स्विट्जरलैंड कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है IITM। ये कोई कॉलेज नहीं है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, टीस मतलब क्या है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये वो है पुणे में। ओके, अब बात करते हैं, इसी एक दो हैं ऐसे हेडक्वार्टर जिनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं वो देख लीजिए। एक है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंसिंग एजेंसी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2008 में, और ये हुई थी हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर था हैदराबाद में है। इसी तरह एक दूसरा है, इसी से मिलता जुलता, लोग जिसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपको नहीं होना है, वो है IIRS। दोनों का काम एक ही है, रिमोट सेंसिंग करना, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं और अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग ये आपका देहरादून में, देहरादून इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ओके, और एक और है उसे भी देख लीजिए, ये काफी मतलब मैंने जो आपको बताए हैं ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पक्का मिल जाएंगे। एक होता है NCMRWF, ठीक है, ये है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज रेंज वेदर वेदर फोरकास्टिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बार बार, कास्टिंग फॉर, और इसकी स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली 1988 में। ओके, तो ये कुछ आपके एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह ये सब करते हैं उनके इंस्टीट्यूट हैं, और ये
लगभग लगभग कॉम्पिटिशन में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो इनमें से भी कोई ना कोई पूछा जाता है और आपके टीचर्स भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो आपका फाइनल हो, चाहे मिड हो, यूनिट टेस्ट हो। चलो इन्हें अब रफ करते हैं हम। देखिए आपको अपनी पढ़ाई में कॉम्पिटेटिव टच लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो कंपटीशन हो रखा है बहुत ज्यादा हो रखा है। इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जो आपको लेक्चर दें वो सिर्फ थ्योरी ना दें, बल्कि ऐसे लेक्चर दें जिससे आपका भला हो वाकई में। आप रट्टा कर सकते हैं, थ्योरी लिखकर नंबर भी एग्जाम में पा सकते हैं, लेकिन क्या फायदा उसका जब आप एग्जाम में किसी बैठेंगे और जो आपको ऐसी नॉलेज नहीं होगी और आप उस एग्जाम को क्लियर ना कर सके। अब एक दो टर्म आते हैं यहां पर, देखते हैं उनके बारे में। एक आता है वेदर, दूसरा आता है क्लाइमेट। पहले वेदर को लिख देते हैं, इसे कहते हैं मौसम हिंदी में। दूसरा आता है क्लाइमेट, उसमें दो आए थे डिफिनेशन में, मैंने उसी समय सोचा बता दूं लेकिन फिर अलग बताना ज्यादा अच्छा रहता। क्लाइमेट, इसे कहते हैं जलवायु। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वेदर जो होता है किसी छोटे स्मॉल एरिया में शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि कोई वातावरण है, जो कोई इन्वायरमेंट है किसी एरिया में, किसी एरिया क्षेत्र में एक छोटे से समय के लिए था, उसके बाद वो परिवर्तित हो गया। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे यहां बारिश हो रही थी लेकिन आपने अपने मित्र के पास फोन किया जो 20 किलोमीटर दूरी पर रहता है, वो क्या है, उसके यहां बारिश नहीं हो रही। तो जो आपके एरिया में हो रहा है और जो आपके एरिया में वातावरण है उसे क्या, किससे निरूपित करेंगे, उसे वेदर या मौसम के द्वारा निरूपित किया जाएगा, क्योंकि एक छोटे से एरिया में है और छोटे से समय के लिए, ऐसा नहीं उस सालों तक रहेगा। तो उस एरिया में जो छोटे किसी एरिया में किसी क्षेत्र में छोटे समय में उपस्थित वातावरण को क्या कहेंगे हम, वेदर या मानसून कहेंगे। इसके विपरीत क्लाइमेट में क्या होता है, लॉन्ग एरिया और लॉन्ग टाइम। लॉन्ग एरिया या लॉन्ग टाइम, अब ऐसा समझिए आप, लॉन्ग एरिया लॉन्ग टाइम की बहुत बड़े क्षेत्रों में, ये मुख्य रूप से जैसे कोई पूरा देश हो गया, कोई राज्य हो गया, उसमें रहेगा और एक लंबे समय तक बना रहेगा। जैसे आप सर्दी का मौसम ले लीजिए, जब सर्दी का मौसम आता है तो अक्टूबर से शुरू होता है, पहले धीरे धीरे अक्टूबर होता है, अक्टूबर में थोड़ा थोड़ा सर्दी होती है, उसके बाद नवंबर में होती है, फिर जनवरी में वो अपने पीक पर होती है, फिर क्या होता है वो एंड फरवरी तक समाप्त हो जाती है। तो वो क्या था, कुछ महीनों तक रुकी और पूरे एरिया में रुकी, यानी जब बहुत बड़े एरिया में कोई वातावरण बहुत लंबे समय तक के लिए रहता तो उसे क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं हम उसे, उस स्थान की उसे क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे कहते हैं। और छोटे से एरिया में छोटे समय के लिए कोई वातावरण इन्वायरमेंट है तो उसे उसका मौसम कहा जाता है। ओके, अब देख लीजिए इसके कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे जिससे आप समझ सकें, जैसे रेनी डे, यानी वर्षा का दिन, जिस दिन वर्षा होती है उसे रेनी डे कहते हैं। और इसका जैसे इसके कुछ हैं कि इसके तीन प्रकार चार प्रकार से मौसम जलवायु होती है, जैसे एक टेम्परेट होती है, पहले ट्रॉपिकल लिखते हैं हम, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जहां, जिसका मतलब होता है जहां पर गर्मी ज्यादा हो, गर्म क्षेत्र होता है वो। और ट्रॉपिकल के बाद आता है टेम्परेट, जहां पर ठंड होती है हर वक्त। ओके, और इसके बीच में आता है एक सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। यहां पर क्या होता है, मीडियम में होता है दोनों में,
ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी, तो मीडियम में रहती। चलिए इस लेक्चर को हम आज यहीं रोकते हैं। आपसे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और विशेष रूप से ऐसे एमसीक्यूज पर विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि यही आपका भविष्य सुधारेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे ही एमसीक्यूज आपके लिए लाते रहें, जो जिससे आपका कोर्स भी कंप्लीट होता रहे और साथ में आपकी तैयारी भी एग्जाम्स की चलती रहे। धन्यवाद।